पब्लिक में अमीरी दिखाना हम इंडियंस की पुरानी आदत है। इन कटे हुए सेल्स को दिखा के हमने जितनी सेल्फी ली है उतना तो हमने बचपन में डायपर भी चेंज नहीं करा है। लेकिन अब इसका टाइम जा रहा है, लोग कुछ ऐसे फोन के साथ आजकल फ्लैक्स करने लगे हैं। तो ये है ओप्पो का फाइंड N2 फ्लिप। हमने रिसेंटली ओप्पो का फोल्डिंग फोन भी ट्राई करा है। ये एक फ्लिप फोन है और बहुत सारे इनोवेशन के साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं। लेकिन उससे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, क्या पता इसके अंदर भी साबुन की टिकिया ना हो कहीं। तो इसके बड़े भाई का बॉक्स काला था, इसका थोड़ा वाइट है। हमारे पास 8GB 256GB वेरियंट आया है और ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक। ये हमने डायरेक्टली चाइना से मंगाया है। जैसे फोन की मैकेनिज्म है बिल्कुल वैसे ही डिब्बे में भी टेक्नोलॉजी डाली गई है। तो ऊपर फोन ही रखा हुआ है, इसको हम साइड में रखते हैं, काफी कूल सा लग रहा है। और उसके बाद हमको मिलता है ये हल्का फुल्का सा 67 वोल्ट का चार्जर। ये एक टाइप सी टू टाइप ए वाली केबल और एक और सेक्शन है जहां पे सबसे पहले तो है फोल्डिंग फोन का बैक केस। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि फोल्डिंग फोन के बैक केसेस कैसे आते हैं, तो ये भी एकदम बिल्कुल टूटे हुए ही रहते हैं, अलग अलग साइड के अलग अलग कवर होते हैं। इसको भी हम लगा के ट्राई करेंगे। और अब बहुत सारी अंदर हैं पुस्तकें, जिसमें एक है सिम इंजेक्टर पिन। तो बीफ्रेंग हमें इसका समझ ही नहीं आया ये क्या चीज है। इसके बाद आगे ये मोस्ट प्रोबेबली यूजर मैनुअल। अब चलते हैं फोन के ऊपर। ओ भाई क्या चीज है ये, इसकी तो बाहर वाली डिस्प्ले भी ऐसे लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली ये यूजफुल हो सकती है, क्योंकि काफी बड़ी सी डिस्प्ले दी है इसमें। ये पूरी ग्लास एंड एल्यूमिनियम की कंस्ट्रक्शन है, पीछे की तरफ ग्लोसी फिनिश है लेकिन कहीं भी फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। और इन एल्यूमिनियम फ्रेम्स की वजह से ये काफी स्टेडी लुक भी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसकी जो हिंज है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फील नहीं होती है, इसको थोड़ा सा ऐसे करोगे तो ये अपने आप ही झूलता रहता है। देखो इसको, तो आपने अगर सैमसंग का फ्लिप ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे नहीं होता है एक्चुअली। और अगर आप इसको इतना ऊपर करोगे तो ये रुकता नहीं, ये गिर जाता है भाई। लेकिन एक चीज इसकी बहुत ही खास है जो सैमसंग जी फ्लिप 4 में नहीं मिलती है, और वो है ये वाला गैप। इसके अंदर गैप बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीजें जीरो हो जाती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बंद होने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग सी है, बिल्कुल हमारे तुम्हारे कनेक्शन की तरह। और इसकी क्रीज का भी बिल्कुल पता नहीं चलता है जब आप इसको यूज कर रहे होते हो। फोल्ड होने के बाद इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 16mm की बन जाती है और अनफोल्ड होने के बाद 8mm की। तो डेफिनेटली आप इसको एक काफी हल्का फुल्का सा फोन बोल सकते हो, लेकिन हैंडी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि काफी बड़ी सी डिस्प्ले, आप इसको सिंगल हैंड यूज नहीं कर पाओगे। चाहे आपकी हाइट मेरी तरह 6 फुट की ही क्यों ना हो, अब आप बोलोगे हाइट से इसका क्या कनेक्शन, भाई हाइट के अकॉर्डिंग सारी चीजें बड़ी छोटी होती है ना, समझ रहे हो। और अब चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर। इसका जो मेन डिस्प्ले है वो 6.8 इंचेस का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाला पैनल है। इसके अंदर आपको साइड माउंट एंड फिंगरप्रिंट मिलता है, जैसे सैमसंग के फोन में भी आपको मिलता है, जो भी फ्लिप एंड फोल्ड फोन आते हैं सबके अंदर यही मैकेनिज्म यूज होती है। और ये अपने साथ 1600 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस को लेकर आता है। चारों तरफ ही आपको रबर की कोटिंग मिलती है, जिसकी वजह से जब ये बंद हो जाता है बिल्कुल भी डस्ट जाने के चांसेस जीरो हो जाते हैं इसमें। तो डेफिनेटली को डस्ट प्रूफ फोन बोला जा सकता है ऊपर से तो एटलीस्ट। बाकी इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी हमें काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी, क्योंकि कलर्स बिल्कुल ऑन पॉइंट हैं, बहुत ही कमाल के हैं, साइड व्यूइंग एंगल्स भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। और मतलब जो आप एक इस प्राइस रेंज के फोन से एक्सपेक्ट करोगे, अब किस प्राइस रेंज आप सोच रहे होगे वो हम आपको आगे चल के बता देंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। बाकी जैसे इस क्यूट से फोन को आप बंद करोगे, ऊपर की तरफ आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो 3.1 इंचेस की है। अराउंड 8-10 साल पहले जितने फोन आ रहे करते थे स्मार्टफोन, उनकी डिस्प्ले इतनी ही बड़ी हुआ करती थी और हम सेटिस्फेक्शन के साथ एकदम मस्त जिंदगी जिया करते थे। लेकिन आज के लिए चीजें काफी छोटी सी हो गई हैं। लेकिन फ्लिप फोन के हिसाब से ये अभी भी काफी ज्यादा यूजफुल है। लेकिन आप इस डिस्प्ले को प्राइमरी डिस्प्ले की तरह यूज नहीं कर सकते, कुछ चीजें ही हैं जो आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे, और यहाँ पे 900 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस ही मिलती है। बाहरी डिस्प्ले में आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, कंट्रोल पैनल के सारे एक्सेस यहाँ पे मिलते हैं, आप एरोप्लेन मोड, ब्लूटूथ, वाईफाई सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। वहीं फोटो, पोर्ट्रेट मोड, वीडियो मोड सारे यहाँ पे हैं, वेदर आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। वेदर को क्या ही कंट्रोल करोगे भाई, देख लेना इतना ही कर पाओगे बेसिकली। और हाँ भाई, टिकटॉक चला सकते हो इसके अंदर, टिकटॉक तो चाइनीज वेरिएंट है इसलिए चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे वीडियोस आप देख सकते हो, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो तो यहीं से आप रील अप एंड डाउन। बाकी ओप्पो और वीवो के फोन हो और हम उसमें कैमरा की बात ना करें, पाप लगेगा भाई, और मैं इसका बिल्कुल भी हकदार नहीं हूं। तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमराज मिलते हैं, बैक में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और फ्रंट में है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। और आप इस सेकेंडरी डिस्प्ले को भी प्राइमरी कैमरा के साथ यूज करते हुए हाई क्वालिटी इमेज कैप्चर कर सकते हो, मतलब सेल्फी बेसिकली।
बाकी जब से ये हमारे हाथों में आया है हमने इसको बिल्कुल कमाल का टेस्ट कर मारा है, चाहे वो इसका सेल्फी कैमरा हो चाहे इसका बैक कैमरा हो और हर एक लाइट कंडीशन में, तो डेफिनेटली आपका जज करना बनता है। और इसके वीडियो कैमरा को भी जरा देख लो, 1080p 30fps सेल्फी कैमरा से मुझे कैमरा की क्वालिटी काफी इंप्रेसिव लगी है। मतलब जिस हिसाब से हम इसको एक इनोवेशन की तरह देखते हैं कि हाँ इसकी इर्द गिर्द चीजें ही घूमेंगी, हमको बाकी सारी चीजें इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी, तो आप गलत हो। इसमें काफी चीजें अच्छी हैं और काफी क्वालिटी फोटोज आप कैप्चर कर सकते हो। वैसे इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और हैं तो क्या ही बोलना, सीधा टेस्ट ही कर लेते हैं। छोटा सा फोन इतनी सी चीजों में नहीं, परफॉर्मेंस में भी बिल्कुल शेर है। अभी शेर दिखा कुत्ता नहीं क्योंकि इसमें आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्लस वाला प्रोसेसर, जिसके एंटीटू बेंचमार्क 1 मिलियन से भी ज्यादा है। LPDDR4X बेस्ड रैम है और UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज है। मतलब ज्यादा टेक्निकल चीजें समझ नहीं आ रही है तो बस इतना समझ लो कि आपके डे टू डे लाइफ के टास्क बहुत ही कमाल तरीके से हैंडल कर लेगा। प्लस अगर आप गेमिंग भी करते हो तो हमने करी हुई है क्योंकि काफी अच्छी तरीके से ये हैंडल कर लेता है, परफॉर्मेंस तो बहुत ही कमाल की है, लेकिन हीटिंग वाला इशू अभी भी इतना मतलब सोल्व नहीं है। डेफिनेटली इस चीज को ऑप्टिमाइजेशन से लाया जा सकता है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। बाकी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट भी बिल्कुल सॉर्टेड है, एंड्रॉइड 13 है बेस्ड ऑन ColorOS 13, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट और बेस्ट। ये एक चाइनीज वेरिएंट है तो लिहाजा इसमें बहुत सारा कचरा है, लेकिन ये डेफिनेटली साफ किया जा सकता है और बहुत सारी चीजें समझ भी नहीं आ रही क्या है, लेकिन जैसे ही इंडिया में आता है डेफिनेटली ये सब तो नहीं मिलने वाला है। बाकी कनेक्टिविटी में भी सारी चीजें हैं, ड्यूअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, NFC, वाईफाई 6, 9 बैंड ऑफ 5G। बाकी ये फोन सपोर्ट करता है 4160 mAh की बैटरी को, 67 वोल्ट का चार्जिंग अडेप्टर इसमें आपको बॉक्स में मिल जाता है। बाकी ना किसी टाइप की वायरलेस चार्जिंग है ना ही किसी टाइप की IP रेटिंग है, तो ये सारी चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं इस फ्लिप फोन ओप्पो के साथ। तो ये सारी चीजें हैं जो इस ओप्पो फ्लिप एन में मिलती हैं। ये अभी तक चाइना में ही लॉन्च हुआ है, उससे बाहर नहीं हुआ है, और वहां से बाहर निकल के हम तक कब पहुंचेगा ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हम तक तो पहुंच चुका है, आप तक कब पहुंचेगा इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। हमने फोल्ड एन भी ट्राई किया था, हम फ्लिप भी ट्राई कर रहे हैं, हमें ये चीजें डेफिनेटली काफी ज्यादा पसंद आई है, आपको भी आई होंगी। आप नीचे लिख के बता सकते हो कि आपका क्या मानना है इस फ्लिप एन के बारे में। पता नहीं इसको हाथ में लेता हूं तो क्यों लगता है इसको दूसरी तरफ मरोड़ दूं। बाकी दोस्तों यार वीडियो यहीं पे खत्म जाता है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।